जी आज मेरी सारी फैमिली कहीं बाहर गई हुई, मैं घर पे अकेला हूँ, ये लोग शादी में खाना खाने गए। एक्चुअली इन्विटेशन एक ही आदमी के लिए था, वो भी बाजू वाले पड़ोसी के लिए, डाकिया गलती से हमारे यहाँ डाल गया। और आपको मेरे दूसरे की गलती का फायदा उठाना हमसे बेहतर कौन जानता है। और वैसे भी हमारी सारी फैमिली की शक्लें ऐसी जैसे बारात में आए हो, कोई बैंड बाजा बजाने वाला लगता है, कोई झांझर उठाने वाला, कोई झुंझुना बजाने वाला, और खाने के साथ साथ पैसे भी लूट आते हैं, फायदा हो जाता है हमारा डबला। आपको पता भाई, पैसे लूटना भी एक आर्ट है। नहीं तो आप देखिए 100-150 बाराती नाच रहे हैं, घोड़ी पे दूल्हा बैठा और बीच बीच में निकल के नोट पकड़ दे, ये कोई आम आदमी का काम नहीं है। खाने में भी सेम हाल है, किसी को पता नहीं चलता कि किसकी पॉकेट में पॉलीथिन पड़ा हुआ और कब वो गाजर का हलवा डाल रहा है, मेरा खाना तो अपने आप आ ही जाएगा। तो मैं इसलिए बारिश के मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन ये कोई फिल्म तो है नहीं पाजी कि यहाँ पे कोई खूबसूरत सी लड़की आएगी और आके मुझे कहेगी एक्सक्यूज मी जी। जी मेरी कार खराब हो गई है। भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ। जी? अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए, बाहर क्या बारिश है, अंधेरा है, और वैसे भी किसी की कार खराब हो जाने से किसी दूसरे का मूड अच्छा हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब आप मेरी कार ठीक नहीं करेंगे और सारी रात मुझे यहीं रोके रखेंगे और जब भी टाइम मिलेगा मेरे साथ रोमांस करेंगे? ये आप डर रही हैं कि मुझे आगे की प्लानिंग बता रही हैं आप? मैं प्लानिंग नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ। पूछना क्या जी, ऐसे रोमांटिक मौसम में तो आलोकनाथ रोमांटिक हो जाए, मैं तो फिर भी बाय नेचर से प्रेमनाथ हूँ। तो फिर आप बताइए कि आप इस बारिश में मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आप सितंबर तक यहीं रुक सकती हैं? सितंबर तक क्यों? मतलब बारिश सितंबर तक चलेगी ना, उसके बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद चली जाइएगा। अच्छी, मुझे लगता है आपको सर्दी लगी। आप एक काम करिए, आप ये कपड़े बदल लीजिए। जी नहीं, आप मेरी जैकेट पहन लीजिए, मैं आपकी साड़ी पहन लेता हूँ। आपके घर में कोई लेडी नहीं है? लेडी कोई नहीं है जी, लेडी कोई है ही नहीं, हम रखते ही नहीं, लेडीज नहीं रखते हम लोग। मैं सिंगल हूँ, मेरी तो दादी भी जेंट्स है। आप ना बड़े मजाक किया है। मैं लेकिन आप रोमांस में मुझे सीरियसली ले सकती हैं। जी? बात मैं आपसे नाम पूछना भूल गया, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम दिया। वाह दिया, ये अंधेरे में दिए की जरूरत थी बस, बड़े सही टाइम पे आई आप। वैसे आप इतनी खूबसूरत है, आपने कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं रखा हुआ? कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन आगे का नहीं पता। करते रहेंगे कि कैंडल भी जलाएंगे? मैं कैंडल जलाता हूँ, एक सेकंड, कैंडल जलाता हूँ मैं, कैंडल का क्या है, कैंडल जला लेते हैं। अच्छी कैंडल तो बस अभी। शर्मा जी कहाँ? एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी बारिशें शुरू हो जाती हैं हमारे घर की बत्ती पता नहीं क्यों बुझ जाती है। चड्डा साहब, आपकी बत्ती तो सनी कत्तर की बारिश में बुझ गई थी। हाँ? जिनकी जल रही उनकी क्यों बुझाने आ गए आप? नहीं 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 नहीं, भगवान आपका दिया ऐसे जलाए रखे। आप मुझे जानते हैं? आपकी बात नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहे हो। बारिश में घास लंबी हो जाती है ये तो सुना था, पर बीवी लंबी हो जाती है ये नहीं सुना था मैंने। शर्मा जी, ये आपकी बीवी लग नहीं रही, ये थोड़ी सी सुंदर है। ये सेक्सी लड़की को जिसके साथ ये
मोमबत्ती बेचने आई थी, तो ये लो मोमबत्ती, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकल जाते हैं, निकल जाते हैं, एक मिनट इससे मोमबत्ती तो जलवा ले। तुम्हारे घर की भी मोमबत्ती जला दो आप। चड्डा साहब आइए, आपको नरक तक छोड़ के आता हूँ, चलिए। नरक तक ही छोड़ोगे आप, स्वर्ग के मजे तो खुद ले रहे हो। खैर आप टीवी फटाफट से ऑन कर दो। अरे लेकिन बिजली नहीं है तो टीवी कैसे ऑन होगी? ये बुड्ढा है या बेवकूफ है? मैं बेवकूफ बुड्ढा हूँ। क्या शर्मा जी भाभी नहीं नजर आ रही? भाभी? ये बुड्ढा सठा गया है, अपनी बीवी को भाभी भाभी बोलता रहा, चल पागल निकल यहाँ से, पागल है। देखो शर्मा जी, आप मेरी तारीफें बाद में करना, मुझे इनसे बात करनी है। आप मुझे बताएं कि लोग कहते हैं कि मैं मॉडल बन सकता हूँ। 10 मिनट बिना हिले खड़े होके बताओ तो। आप इनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, आप मुझे बताओ। आप इस उम्र में मॉडल बनना चाहते हैं? हाय हाय, इस उम्र में मुझे क्या हुआ, अभी तो सिर्फ 30+ ही हूँ मैं। चड्डा साहब। हाँ जी। आपका फोन बज रहा है। नहीं नहीं, रिंग तो मुझे सुनाई नहीं दी। वो साइलेंट पे है। निकलो यहाँ से। हाँ तो हम कहाँ थे दिया? कहीं नहीं, आपके घर में ही थे। घर में मतलब प्यार वाली बातें जो हो रही थी, वो कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? आप मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे। मान गए, इंटरेस्टेड तो आप भी हैं। मेरा मतलब आपको याद है हमारी फिल्मों में जब ऐसे कोई बारिश होती है, लड़का लड़की मिलते हैं तो यू नो तेज बारिश हो रही है और ऐसा मौसम होता है तो फिर क्या होता है? दोनों लड़का लड़की छाते में आ जाते हैं। छाता जब उड़ जाता है फिर क्या होता है? तो वो छाते के पीछे भागते हैं। भागते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? मतलब लड़का लड़की से कुछ कहता है। बिट्टू शर्मा, ये कहां से आ गई? एक काम करो, इधर अब छुप जाओ, बोलना मत कुछ, ठीक है? ये बुढ़िया पागल है, दिमाग खराब करके, इधर इधर आ जाओ आप। अरे बिट्टू शर्मा बेटा, आपने पलक को देखा है? मेरे इतने बुरे दिन आ गए, मैं बरसात में पलक को देखूंगा? तो आप क्या कैटरीना कैफ को देखेंगे? मानना पड़ेगा, मुंह आपका जितना भी गंदा हो लेकिन नाम बड़े अच्छे से लेते हैं। अब दाढ़ी जला दूंगा मैं। एक मिनट, आज आप थोड़ा खुश से क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं हूँ मैं, बोर हो रहा हूँ, फैमिली में कोई नहीं इसलिए बोर हो रहा हूँ। चलो जाओ यहाँ से। बेटा अपने आप को अकेला महसूस मत करो, मैं आ गई हूँ, साथ में बैठ के बातें करेंगे, 4-5 घंटे तो यूं ही बातों में निकल जाएंगे। देखो लाइट तो है नहीं बेटा, तो कॉमेडी नाइट तो देख नहीं सकते। कौन सी का? मैं? ये कौन है? ये पोस्टर है, ये आज की फिल्म का पोस्टर है। अरे लेकिन सिर्फ लड़की, पोस्टर में तो लड़का भी था। वो डर के भाग गया ना। लड़का नहीं है। अरे लेकिन पोस्टर कैसे चीक सकता है? तो पोस्टर कौन सा वाटर प्रूफ है? और इस उम्र में आप आज की फिल्म के पोस्टर देख रही हैं, जाके कोई मर जाइए टाइम निकाल के। जाइए, कोई भी बात हुई मुझे उसको सपोर्ट करना, जाइए। आपको किसको सपोर्ट करना है? देखिए मेरी ड्यूटी लगी हुई है इसमें, मुझे भी साथ में पोस्टर बन के खड़े होना है। अभी आप जाइए। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी मंजू ने तुम्हें ढूंढ लिया ना तो खुद पोस्टर बन के छप जाओगे। देख लेना। कौन थी ये? सारा मूड ही खराब कर दिया इसका। छोड़ो, गाड़ी मेरे को भले ठीक करनी ना आती हो लेकिन मेरे को मूड ठीक करना बड़े अच्छे तरीके से आता है।
दादी क्या बाहर बारिश से बचने के लिए ना अंदर आ गई तो वैसे ही बस बस। अरे तू कैसा है रे, इधर आ इधर आ इधर आ। बिट्टू इतनी सुंदर लड़की बारिश से छिपने के लिए घर आई है और तू तूफान रोक कर खड़ा है। ये बोल तो सुंदर की पागल है तू। मैं तो कहती हूँ तेरी पुरानी वाली को छोड़ दे, इससे शादी कर ले। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि इसी बारिश में मुझे मेरा वारिस मिलेगा। मुझे ठंड लग रही है इसलिए मैं कांप रही हूँ। तुम्हें उसको ठंड लग रही है? सुना ना? तो फिर ऊपर जाओ मेरे साथ डांस करेगी ना तो उसमें गर्मी आ जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, इसको दो घूंट पिला दूंगी इसमें गर्मी आ जाएगी। दादी पागल तो है, दो घूंट पिला देती है, वो शरीफ लड़की है जरूरी। अच्छा, अगर ये शरीफ लड़की होती तो इसकी गाड़ी खराब नहीं होती। आपको कैसे पता कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है? जवानी के दिनों में मेरी भी गाड़ियां खराब होती थी। Really? फिर मैं किसी के घर में घुस गई फुटो। फिर वहां एक जवान लौंडे से मुलाकात हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद तेरा बाप हुआ। जिसके घर में घुसी थी वही तेरा दादा बन गया, और कुछ पूछेगा? दादी झूठ बोल रही हो, तेरे पास कौन सी गाड़ी थी? तो इसके पास कौन सी गाड़ी है? क्या? बाहर जाके देख, कोई गाड़ी नहीं है। झूठी कही की। आपने मुझसे झूठ बोला? दिल तोड़ा है तुमने मेरा। अगर किसी झूठ से किसी को फायदा होता हो दीदी आप घबराइए नहीं, जीजा जी आ जाएंगे, बारिश में फंसे होंगे, आप टेंशन ना लीजिए। आपका भाई आपके साथ है। दूर रहो तुम इससे। मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ? मैंने कभी आज तक तुम्हें टच किया? Shut up! Nonsense! घर का खाना अच्छा लगता है नहीं, बाहर से सैंडविच आ गई तो वो इतना सा खुल जाता है तुम्हारा। क्या तुम एक इज्जतदार रसूखदार जागीरदार खबरदार पति के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो तुम? हाँ ये दूध और लस्सी उछालू मैं तुम पर? अरे पूछो उसे, जब से आई मैं मैंने उसको साफ नजर से देखा। मैं क्यों पूछूं? इसे मैंने भेजा है। ये देखने के लिए कि तुम बाकी लड़कियों के साथ कितना फ्लर्ट करते हो। मतलब वो तो बाहर वाली थी, तूने घर वाली होकर धोखा दिया मेरे को। अभी मेरे साथ इतनी जल्दी जल्दी गाना गा लिया इसने, तो मतलब मैं पकड़ा गया हूं। जी हाँ, ये मेरी सहेली, मैं इसकी सहेली। पर्दा नीचे करो, दो दो औरतों से पिटता हुआ आदमी अच्छा लगता है? पर्दा नीचे करो। ए खबरदार, जब मुझे हाथ लगाया तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन ले। कितना खूबसूरत गाना है, क्या बात है। दुनिया जो ऊपर वाले ने बनाई ना, बड़ी खूबसूरत बनाई बाजी। ये हम ही लोग जो गंदा डाल रहे हैं, कभी इधर लिफाफा फेंक दिया, कभी पान थूक के, या इधर कभी कुछ कभी कुछ। एक्चुअली हम सब लोगों को मिलके इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चीजें देखना सभी को अच्छा लगता है।
वो लोग बात है, आप बार बार पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, पर आज आप सिर्फ आगे देखिए। आज बाजी सिर्फ आप आगे देखिए, बिकॉज आज यहां पे हमारी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए बड़े ही दो खूबसूरत कलाकार आने वाले हैं। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द वेरी ब्यूटीफुल सोनम कपूर एंड द वेरी हैंडसम फवाद खान। क्योंकि आप मेरे पापा के फैन है ना, हाँ, तो मुझे लगा इफ यू गोना मिस हिम आई माइट एज वेल गेट अ मूछा एंड पुट कम विद माय। हाउ स्वीट, हाउ क्रिएटिव, हाउ इनोवेटिव। एक बार जोरदार तालियां सोनम और फवाद के लिए। आल्सो फेशियल हेयर इज ऑलवेज मिसिंग ना इधर। ये आपने पापा की मूछें तो कितनी अच्छी हैं, ये कहाँ से लेके चमकीली वाली मूछें? चाचा चौधरी के बचपन की मूछें हैं ये। पर वेरी इनोवेटिव आइडिया एक्चुअली। एक बार जोरदार तालियां सोनम के लिए, फवाद के लिए। फवाद बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और आजकल इन्होंने इंडिया में बड़ी आग लगाई हुई है, खास तौर पर आप देख सकते हैं वक्त क्या हो चला है और ये काफी आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग यहाँ पे है। मर जाओ तुम। फवाद आप एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, आप गाते भी हैं, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, आपके टीवी सीरियल्स पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में बड़े हिट हैं, मतलब आपके ऊपर ऊपर वाले की काफी कृपा है। और इंडिया में आपकी पहली फिल्म रिलीज भी नहीं होगी, उससे पहले ही आपको कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा, ऐसा सोचा था आपने? मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है, आई एम ऑन योर शो, वहां पे भी पाकिस्तान में बहुत एंजॉय करके देखते हैं आपका शो। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है सुपरस्टार देयर इस बार। अरे क्या, सो दिस इज मैं चली जाऊं? नहीं, हमारी आपस में डील हुई है। मैं जा रही हूं यहां से। सोनम हमारी, देखो सोनम इधर आओ, हमारे पापा अनिल कपूर, हम लोग गरीब बच्चे, पता क्या है, हम लोगों ने आपस में डील की हुई थी कि फवाद भाई मेरी तारीफ करेंगे, मैं उनकी करूंगा, आप मिलके आपकी भी करेंगे बाद में। तो एक बार फवाद के लिए जोरदार तालियां। यार तूने जी लड़की को नाराज कर दिया, ये बहुत गलत बात है यार। मोहतरमा, आपकी आंखों में समंदर सी गहराई है, हुस्न ऐसा, हुस्न ऐसा के मानो आसमां में कोई रूप की बदली छाई है। ये मेरी नजर का धोखा है या करिश्मा कुदरत का, खूबसूरत को प्रमोट करने आज खूबसूरती चल के आई। खूबसूरती चल के आई है, हाँ। ऐसी ही कविता क्या आपने अमृतसर में बैठी भाभी के लिए भी कभी बनाई है? 10,745 गाई है। क्या बात कर, हमेशा पाजी लोगों को बोलते पिंकी टिपू, आज खुद पिंकी टिपू बन के आए। पाजी आपको पता है खूबसूरत फिल्म जो है, हाँ। ये बेसिकली जो पहली पुरानी फिल्म खूबसूरत है जिसमें रेखा जी हीरोइन है, उसी का रीमेक है। तो सोनम आपको प्रेशर फील नहीं होता कि आपका कंपैरिजन सीधा रेखा जी से किया जाएगा? जी ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है। मैं अनिल कपूर की बेटी भी हूँ ना, हाँ। तो प्रेशर प्रेशर के साथ जीना मैंने सीख लिया है। अरे क्या बात है, ये स्पिरिट होनी चाहिए, वेरी नाइस। फवाद आप एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन फिर भी जब ये जो लड़कियां आपकी बातें करती हैं ना, ये सिर्फ आपकी लुक्स की बातें करती हैं कि हाय फवाद की ना आंखें देखी है, उसका कम्प्लेक्शन देखा कितना क्यूट है, दाढ़ी, खुद के एक बाल निकले टेंशन हो जाती है, उनकी दाढ़ी पसंद आ रही देखो। उसके बाद तारीफ इनकी कर रही है, बातें इनके बारे में कर रही है, करते करते पता नहीं ऐसा क्या सोच लेती हैं कि खुद ही शर्मा जाती है, भगवान जाने। खैर ये बातें बाद में करेंगे। जब प्रोड्यूसर ने आपको कास्ट किया तो उन्होंने आपके एक्टिंग स्किल्स देखे या आपकी गुड लुक्स देख के आपको सीधा साइन कर लिया? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। मैं दे सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ। उन्होंने इनके एक एक विजुअल ये स्टेट देखा, उन्होंने कहा ये बहुत टॉम क्रूज, ही थॉट कि रिया ने कहा कि ये बिल्कुल टॉम क्रूज की तरह लगता है। तो हाँ ना, डोंट यू थिंक कोई है ना रिजेंबलेंस? नहीं, नो वन थिंक्स प्लीज। तो आई सेड हाँ आई थिंक सो, बेटर लुकिंग, बेटर लुकिंग। तो फिर रिया ने कहा चलो हम देखते हैं, कुछ सीन्स वीन्स करवाते हैं। And then he started talking ऐसे ही
धीमी सी स्लो आवाज में अभी देखो ऐसे होंगे वी हैव टू कास्ट हिम एक्टिंग नहीं देखी आवाज सुनी और लुक्स देखा देन आफ्टर दैट हम वो सेट पे आए तो बोला ये अच्छा एक्टर भी है जो लड़कियां ज्यादा चीख चिल्ला रही हैं ये सब फवाद की वाइफ भी यहाँ पे आई हैं मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है इनके लिए भी जोरदार तालियां अच्छा आपके हस्बैंड मतलब इतने पॉपुलर हो चुके हैं इतनी लड़कियां मर रही हैं आपको कुछ इनसिक्योरिटी नहीं फील होती माशाल्लाह आप बला की खूबसूरत हैं दो मिनट ऐसे चलिए सोनम और फवाद आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे फवाद और सोनम के लिए जोरदार तालियां पारी सोनम के बारे में एक बात बड़ी फेमस है ये जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है जल्दी तो पहचानती नहीं किसी को मैं खुद गवाह हूँ एक अवार्ड फंक्शन में रात को ही मुझे मिली सुबह मुझे मिल रही ओ वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम ये इनका वैसे ही तो मेरी आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है इतनी प्यारी आंखें हैं और क्या चाहिए अच्छा लेकिन फवाद तो आपको टॉम क्रूज जैसा लगता है वो कैसे लगता है कैसे खुल जाता है नहीं वो जो वो दिल का मामला है मोहतरमा वो दिल की घंटियां टू 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 सबारी ये तो फिल्म है लेकिन हमने ये सुना कि फवाद जो हैं वो बचपन से ही बड़े रोमांटिक है शायद इसी बात का नतीजा है कि इन्होंने 17 साल की उम्र में ही अपनी मिसिज को प्रपोज कर दिया था तो ये मतलब ये बात आपको हजम नहीं हो रही नहीं 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 ऐसी बात नहीं है आप 17 साल के थे मैडम भी 17 साल की थी तो आपसे रुका नहीं गया कि आपके मन में ये आया कि नहीं यार लड़की अच्छी इसके बाद हाथ नहीं आएगी निकल गई तो अभी भी कर दो नहीं सच्ची बात है हंसने वाली बात की है लेकिन सच्ची बात यह है मैंने कहा इसके बाद मुझे और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा तो मैंने कहा जो पहली आ रही है उसको पकड़ लो नहीं बट आई थिंक जो आई थिंक जिस तरह की सपोर्ट जिस तरह का प्यार और मतलब शी इज द पर्सन बिहाइंड व्हाटएवर आई एम टुडे हाउ स्वीट सो तो आप मिले कहाँ थे मैं जो स्कूल था हमारा उसकी बॉयज ब्रांच में मैं पढ़ता था गर्ल्स ब्रांच अलहदा थी तो एक ट्यूशन सेंटर उस जमाने में एक बहाना होता था लड़के लड़कियों का मिलने का तो मैं भी पहुंच गया ट्यूशन लेने उसकी जायज वजूहत मैथ्स की अच्छा मैथ्स की तो जाके केमिस्ट्री सेट कर ली बाद में केमिस्ट्री शर्मा जी हेलो हाय सोनम हाय हेलो फवाद क्या कैंटी बजी बहुत हैंडसम है पाजी ये तो जो हंस के तो एक्सप्रेशन दे रही तेरे को पता तू हंसती हुई और बुरी लगती है कोई लड़का आ जाए सही इसका स्टाइल ही बदल दे हेलो फवाद है भाई हाय हेलो हो गए तो जल्दी बताओ काम क्या क्यों आई हो यहाँ पे मैं वो कहने आई थी कि फवाद आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया चलो कह दिया अभी जाइए कैसे इनकी फैन प्रूव करके बताओ वो कैसे प्रूफ कोई कर सकता है उनके उनको लंगड़ी टांग खेलने का बड़ा शौक है तो एक लंगड़ी टांग पे इधर से उधर चल के बता चल आप बैठ जाइए ऐसे इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं हमें आप एंजॉय इजी फील करें आप बताओ ऐसे चल के बताओ लेकिन मैं कैसे लंगड़ी टांग क्या लंगड़ी टांग मैं कैसे खेल सकती हूं अरे मुश्किल नहीं है बड़ा इजी है जैसे तुम्हारे पापा आते ना जब पुलिस वाले ने टांग तोड़ी थी इनके पापा गए घर से ऐसे थे जब वापिस आए तो जैसे उन्होंने पापा को मारा था टांग तोड़ी थी पापा की पुलिस वालों ने एक्सक्यूज मी पापा की टांग एक्सीडेंट में टूटी थी ओके वो तो एक्सीडेंट ही था एक्चुअली पुलिस वाले ना पीठ पे डंडे मारे थे तो ये इनके पापा ना ओवर स्मार्ट बन के उछले तो इधर लग गया तो उस हिसाब से बुला के क्या निशान दिखाएगी अभी उनके आपको पता भाई सचिन तेंदुलकर के बैट पे बॉल के इतने निशान नहीं जिनके इनके फादर साहब के पीठ पे ना आप खुद समझदार हैं
आप इनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए. इनकी तो आदत है हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की. तो मैं तोड़ मरोड़ के पेश करता हूँ तो बुरा लगता है जो पुलिस ने आपके फादर साहब को तोड़ा मरोड़ा. शर्मा जी, मैं ना खास फवाद और सोनम से मिलने आई और पता नहीं आप क्यों बकवास किए जा रहे हैं बीच में. इनसे मिलने आई आप? जी हाँ. इनकी फिल्म का नाम पता है आपको? ऑफ कोर्स, खूबसूरत. तो टाइटल के हिसाब से तुम खुद बताओ, तुम्हारा आना बनता था आज? मिले आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. थैंक यू. वैसे पाजी, मेरा भी वही मानना था कि एक्चुअली एक खूबसूरत लड़की को दो खूबसूरत लोगों से जरूर मिलना चाहिए, है ना? अरे मेरे को पता नहीं क्यों लगता है ये ऐसी बातें ना जानबूझ के करती कि जिससे इसका मजाक बने. आपसे किसने रॉन्ग नंबर पे कह दिया कि आप खूबसूरत हैं? सब कहते हैं और मम्मी भी कहती है कि उनकी बेटी सबसे खूबसूरत है. मम्मी की तो बात छोड़ो, मम्मी तो उस दिन ना हमारा शो देखे ना गिटार वालों को देखे, पता क्या बोली थी? कहती है आजकल ऋतिक आपके शो में तानपुरा क्यों बजा रहा है? एक तो इसको ऋतिक बोल रही है, ऊपर से गिटार को तानपुरा. और उनका आप खुद जजमेंट कर सकते हैं भाजी. आप ना चुप रहे, बकवास मत कीजिए, मुझे इनसे बात करनी है. आप बीच में टांग मत लड़ाइए अपनी और जाके अपने आंखों का ऑपरेशन करवाइए. कुछ भी देखते हैं, बकवास पता नहीं. फवाद, वैसे आप पाकिस्तान से हैं तो वहाँ का हालचाल कैसा है? सब ठीक है? बहुत सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है. ये नवाज शरीफ और ये इनके चाचा जी हैं ना, पाकिस्तान के हालचाल कैसे है? ऐसे हालचाल पूछ रही है क्या? अच्छा सोचा, सॉरी, चल ठीक है. वैसे आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? जी मैं लाहौर से. वाओ. इनको ना इनको एड्रेस मत बताना, ये लोग पता क्या करते हैं, ये प्यार से एड्रेस पूछ लेते हैं, पूरा परिवार ना बोरे बिस्तर लेके पहुंच जाता रहने के लिए. शर्मा जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पार्टीशन के पहले मेरी फैमिली भी वही रहती थी, इसलिए पूछ रही हूँ. आप बताओ, पार्टीशन से पहले पाकिस्तान था तो फैमिली किधर रहती थी? या मुझे लगा बच्चों के बर्थडे पे गुब्बारे फुला फुला बेच जा. जिस जगह पे रहती थी ना वो जगह पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चली गई. मेरे दादाजी का बहुत बड़ा घर है लाहौर में, इसलिए मैंने पूछा. दादाजी का घर नहीं है लाहौर में, बड़े से घर में दादाजी लोहार थे एक्चुअली. लाइन की फ्रेजिंग गलत है. आपको तो मेरी फैमिली के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी है ना? मेरे को क्या, देखो. हाँ, अब बोलो ना. सारी जो चीज पेपर में आती है पूरे मोहल्ले को पता होती है. पूरी पूरी आए दिन पेपर में खबर छपती है, चमनलाल मुर्गियां चुराते पकड़ा गया, मोहल्ले द्वारा जोरदार पीट. बनवारी लाल लड़के छेड़ते पकड़ा गया, मोहल्ले द्वारा जोरदार पीट. मैं आपकी जानकारी बता दूं कि चमन लाल जी इनके पिताजी हैं और बनवारी लाल जी इनके चाचा जी हैं. आपको शर्म नहीं आती मेरी फैमिली के बारे में ऐसा कहते हुए? फैमिली ऐसे काम करे उनको शर्म ना आए. मैं बातें करूं तो मेरे को शर्म आए क्यों? ठीक है, तो आप करती रही, जब रात को भूखे पेट छोड़ना पड़ेगा ना तब मुझे बताना. जा रही हूँ मैं. उफ, तू बड़े तंदूरी नान खिलाती मेरे को. ओके, मैं आई एम सो सॉरी. हमारी एक्चुअली हमारा नोकझोंक चलती रहती है. फवाद, आपको एक्टिंग के साथ साथ म्यूजिक का भी बड़ा शौक है, तो आपने म्यूजिक शौक की वजह से सीखा या आपको ये लगा कि नहीं यार सब कुछ सीख लो, जो चीज चल गई फिर उसी को कैरी ऑन करेंगे? मतलब ऐसे आई जस्ट एक्सीडेंटली गॉट इनटू म्यूजिक एंड इनटू एक्टिंग. एक बहाना चाहिए था किसी तरह कॉलेज से आई थिंक भागने का या पढ़ाइयों से भागने का. तो हमने एक छोटा सा बैंड बनाया और एक मेटल बैंड था, तो उसमें पहले जो है हम कुछ 7 अफराद थे उसमें. वी वर लाइक 7-8 पीपल इन द बैंड. तो वो आहिस्ता कम होते होते 5 पे आ गया बाद में. बट जब हमने शुरू किया तो आप बैंड में आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे या आप गाते थे उसमें? मैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली गाता था. भाजी, आपको पता है फवाद को जैसे म्यूजिक का शौक है ना, वैसे ही सोनम ने क्लासिकल डांस में ट्रेनिंग ली हुई है. लेकिन अभी तक बड़े पर्दे पे इन्होंने अपनी वो कला का जौहर दिखाया नहीं है. थोड़ा वो क्लासिकल डांस थोड़ा सा मैंने रंजना में किया था. रंजना में किया था थोड़ा वो जो बाकी रहता है वो दिखना हमें. खूबसूरत में एक पूरा गाना किया. खूबसूरत में पूरा गाना किया. हाँ जी. वो गाना हम सुन सकते हैं जी? तो उस पे फिर उसी पे डांस देखते हैं. सोनम, क्या बात है भाजी, ये मैंने तो
यही सुना था कि क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली है, लेकिन ये हर तरह के डांस कर लेती है, क्या बात है सुनम? ऑल इन ये तो बाजी होता है, ब्लड में है ना सारी चीजें। बिल्कुल, मैंने देखा है अनिल सर के अंदर भी ना एक शरारती बना है, तो वो जो है वो सोनम में भी नजर आता है। तो जब ऐसे किसी शरारती आदमी के साथ थोड़ा भोला भाला इंसान हो ना, उसको ज्यादा खींचा जाता है। तो फवाद को आप तंग करती थी? फवाद, आपसे पूछना चाहूंगा मैं एक्चुअली, जी ये आपको तंग करती थी क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा शरारती है और आप थोड़े सीधे साधे हैं। हाँ, उस लिहाज से तो बहुत करती हैं आज, बल्कि एक किस्सा गुजरा है हमारा। अच्छा, हाँ, कुछ भी बोल रहा है, दुनिया को बताती फिर रही है कि मैं क्या बोला था। उन्होंने पूछा कि क्या खासियत है फवाद की, तो ऐसे बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा एक्टर है और शर्ट के बिना अच्छा लगता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस शर्मिंदा करने के लिए था, मकाम नहीं बात कर दी लोगों। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। मुझे भाव नहीं दे रहे हो ना आज, सिर्फ फवाद के बारे में बात करते रहते हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था आपने। अनिल सर का थोड़ा रहता नहीं, है। नहीं, मैं तो नहीं तो बड़ा चालू नहीं, मतलब नहीं, आप मुझे बिल्कुल, आई एम वेरी अपसेट, मैं बैठ रही हूं सर। हमारी तो दीवार सीमेंट गिर जाए ना तो उधर हम अनिल कपूर का पोस्टर लगा देते हैं। लोग हम उनके बड़े फैन हैं, अंदर से क्या बताएं कि पीछे हमारी दीवार टूटी हुई है, तो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं। नहीं नहीं नहीं, व्हाई? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ बॉयज को ना थोड़ा भाव देते रहते हो। नहीं 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 नहीं, आई एम टेलिंग यू, आई वाज जस्ट मेकिंग यू कंफर्टेबल। आई नो, दैट्स फाइन, इज वेरी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल? अच्छा, आगे हो, ही वेरी कंफर्टेबल, थोड़ा आगे तो हो रहा। अभी मेरे को खुद ही बोल दिया खुलने को, तो अब ओके, कंप्लेंट मत करना। और मैंने ये भी सुना है कि आपने पठान ब्रदर्स के लिए गाना गाया है। हां, तो अगेन फॉर बॉयज, लड़कियों से आपको कोई प्रॉब्लम? अरे पठान ब्रदर्स के लिए गाना नहीं गाया मैंने, गाया वो भी। अरे वो किसी ने ऑडियंस में से बोला था और उन्होंने यूसुफ पठान को बोला था। नो एक्सक्यूजेस यार, ये तो गलत बात है। वो उन्होंने यूसुफ पठान को, मिलोर्ड प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुना जाए। मैं अभी वही गाना आपके लिए गाऊं? नहीं, इट्स ऑल राइट, आजकल मैं थोड़ी खुश हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी, नहीं तो मैं आपको गवा लूंगी। आई मेक यू डांस आल्सो। क्या 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 चाह रही हो? क्या गाना गाएं? नहीं, अब इनके लिए तो गाना गाना, मैं बिल्कुल गाता हूं, मेरे को कोई बोले सही, प्रूफ करना पड़ेगा। मैं अभी लो, अभी पकड़ लेगा भाई, वही गाना गाता हूं मैं, मैंने उनके लिए गाया था। ओके, इट्स फॉर यू बेबी। अब बताओ, अब आप पठान हो? But I just have curiosity, ये गाना आपने पठानों के लिए गाया था? थोड़ा रोमांटिक सा गाना है ना? ये गाना मैं चौथी बार बता रहा हूँ कि किसी ने यूसुफ को गाने के लिए कहा, उन्होंने आगे मुझे फॉरवर्ड कर दिया। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक।
What's up? पता है लच्छा, तू पंछी भी होता ना तभी तू उड़ नहीं पाता। उनकी एक लेवल तक जो होते हैं ना विंग्स जो होते हैं बाहर उठाते हैं। किसको ढूंढ रहा है? शर्मा जी क्या बताएं आपको? हम अपनी बिजुरिया का ढूंढ रहे हैं शर्मा जी। कौन? वो तीखे तीखे नैन नक्स, वो ब्राउन ब्राउन आईज, वो भारी भारी शरीर, आज बड़ी याद आ रही है उसकी। और तेरी गर्लफ्रेंड बिजुरिया? अरे शर्मा जी, हमें भैंसों से वक्त मिले तो गर्लफ्रेंड बनाएंगे ना। बिजुरिया हमारी सबसे खूबसूरत भैंसिया का नाम है। आप कमाल करते हैं इनको। हाय। अरे सोनम कपूर जी, फवाद खान जी, हम जानते हैं आप लोगों को। दिस इज अ मिरेकल। हम बता रहे हैं दिस इज अ मिरेकल। हमने कल ही आपके फिल्म का जो है ट्रेलर देखा और हम अपने आप से कह रहे थे कि काश काश जीवन में आपसे मिलने का एक मौका मिल जाए। और देखिए, मतलब आज हम ऊपर वाले से 1.5 किलो मोतीचूर के लड्डू भी मांग लेते तो शायद मिल जाते। अच्छा, खबरदार कि तुमने लोगों को तंग किया तो। अरे शर्मा जी, हम तंग करने थोड़ी आए, हम तो मदद मांगने आए हैं। क्या हेल्प? नहीं नहीं, हमें हेल्प चाहिए। क्या वो तेरी हेल्प क्यों करेंगे? तेरे को जानते तक नहीं वो। अरे शर्मा जी, जान पहचान के लोगों की मदद तो सब करते हैं, सिवाय एक आदमी का जिसका नाम है बिट्टू शर्मा। एक मिनट फवाद खान जी, लेकिन आपसे ना एक जरा टेक्निकल डिफिकल्टी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, उसके बारे में जानना चाह रहे थे। क्या है कि अब बिजुरिया जो है वो बॉर्डर के उस पार पहुंच गई है। अब समझिए, अगर वो पाकिस्तान में पहुंची है और अब वहां पर वो घास खाती है फिर इंडिया आकर गोबर करती है, तो इस गोबर पे हक किसका है? पागल है तू? अजीब सी बातें कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े मसले हो रहे हैं दुनिया में, भैंस का गोबर उनका क्या बात कर रहे हैं? चला जा, नहीं तो मेरे हाथ से तेरा डबल मर्डर हो जाएगा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। शर्मा जी, व्हाट इज डबल मर्डर? एक बार मेरे तू मरेगा नहीं। पहले मेरा चाकू टेढ़ा होगा, उसके बाद मैं तलवार लाऊंगा जो तुझे चाकू जैसी लगेगी, 2-3 बार में मरेगा तू। शर्मा जी, वंस मोर, आपने फिर से एक बार ये हिंसक बातें की। आपसे हम कितनी बार कह चुके हैं, अपने जीवन में थोड़ा हंसी लाइए, मुस्कुराहट लाइए, कम ऑन बी हैप्पी, स्माइल कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आई एम टेलिंग यू। खैर कोई नहीं, आप कहते हैं तो हम चले भी जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर सोनम कपूर जी बैठी हैं, हम उनसे कुछ बात ना करें, कुछ कॉन्वर्सेशन ना करें, चले जाओ, उनको अच्छा लगेगा? उनको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। देखिए, हमने आपकी फिल्म देखी। कौन सी वाली? भाग मिल्खा भाग जी। देखते ही हमें पता चल गया था कि ये लड़का आपके लिए नहीं है। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं जो लड़का इतना तेज भागता है वो कहाँ आपके हाथ में आएगा। आप हमारे हिसाब से आप अपनी लाइफ में एक ऐसा बॉयफ्रेंड लाइए जो ऐसे 14-15 कदम भागकर थक जाए, हाफ जाए। एंड यू आर राइट, आई एम हिंटिंग एट माई सेल्फ। लच्छा, सोनम तेरे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगी, उसका पूरा ध्यान फवाद की तरफ है, तू अपना इधर रख सामने। बस बस शर्मा जी, अब आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम फवाद जी को चैलेंज करें। ओए। अब ये सोनम जी को इंप्रेस कर पाएगा। एक सेकंड, फवाद को इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? उसकी पर्सनैलिटी देख और अपनी देख। नहीं नहीं, क्या कह दिया आपने शर्मा जी? अभी इसी वक्त अगर हम अपनी वर्ल्ड क्लास किलर स्माइल दिखा दें,
सारी पर्सनैलिटी धरी की धरी रह जाएगी। नहीं देखिए सोनम जी, हम अपनी स्माइल आपको दिखा सकते हैं, दिखा भी दें, लेकिन फिर अगर आपको हमसे प्यार हो गया तो हमें दोष मत दीजिएगा। द चॉइस इज योर्स। चलिए हम अपनी स्माइल दिखाते हैं। देखा, देखा। देखिए लेडीज से भी रिक्वेस्ट है, खड़े होके कोई सामने नहीं आएगा। सब थोड़ा कंट्रोल करें प्लीज। दिखा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लेडी किलर स्माइल। अब आपकी बारी है फवाद साहब, आपकी बारी। नहीं सर, आपने तो नाचते हुए मेला जीत लिया। क्या नाचे आप, सीरियसली आपकी। अरे नहीं नहीं ऐसे, अरे गिव अप ना कीजिए, आइए। नहीं नहीं सर, मैंने गिव अप कर दिया। नहीं फाइट होगी शर्ट उतार के। है? फवाद तो शर्ट उतार लेगा दो मिनट में, उसको कुर्ता उतारने में 6 दिन लगेंगे। सर उतार तो हम देंगे, आप देख ना पाएंगे। हम देखना भी नहीं चाहते। चलिए हम एक शेर कहते हैं आपके लिए, सोनम जी आपके लिए एक शेर अर्ज करते हैं हम आज। खड़का दो, खड़का दो। हमारे दिल में सोनम जी के लिए जो प्यार है वो है एकदम सच्चा। हो हमारे दिल में सोनम जी के लिए जो प्यार है वो है एकदम सच्चा। बहुत जल्द देखिएगा ये बनने वाली है मिसेज लच्छा। ए लच्छा, शायरी और तुकबंदी में बड़ा फर्क होता है, तेरे को पता है? और तेरे जैसे शायर का बेड़ा ही गर्क होता है और कुछ नहीं। क्या कर रहा था शर्मा जी? देखिए अगर आप हमें कहना चाहते हैं कि हम गिव अप कर दें और हार के चले जाएं, वो तो हमने सीखा ही नहीं, नॉट बॉर्न फॉर दैट। ये एक्चुअली लच्छा जब इसका मन आए तभी जाता है, किसी के डराए में तो जाता ही नहीं है ये। हाँ। क्या चाहता है लच्छा? डांस कॉम्पिटिशन। अभी हम डांस करके इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इंप्रेस हो गए तो बढ़िया। What do you say? Are you ready? Go for it, man. Go for it. अरे कंपटीशन हम अपने आप से थोड़ी ना कर रहे हैं। Okay. साथ में सोनम भी आएंगी प्लीज। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत ज्यादा ही खुशी हुई। चलिए अब हम चलते हैं, अगर आप चाहते हैं हम जाते हैं तो हम चले जाएंगे, लेकिन ठीक है कोई नहीं, मजा आया लेकिन आप लोगों से मिलके। इट्स ओके, आप नहीं तो बिजुरिया ही सही, हमारे लाइफ में कोई तो रहेगा। वन लाइफ एंजॉय, कम ऑन। ये आप प्लीज, आप प्लीज बैठ जाइए। फवाद, सोनम, यहाँ पे आपके ढेर सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं। आप एक एक करके फवाद से और सोनम से बात कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आएंगे? जी भाई साहब। हेलो सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सत्यगल भाजी बादशाह, क्या हाल चाल? सर जी मैंने सुना है आपके कॉलेज। अच्छा, के मैंने और सोनम ने आपके पैसे मारे हैं। फवाद को आपने विश किया, सिद्धू बाजी को। सर जी
आपके आपके कॉलेज के टाइम पे आप बैंड के रॉक स्टार थे सर। जी जी। तो मैं भी उस टाइम पे मैं भी सोचा था मैं भी रॉक स्टार बनूंगा, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ चांस नहीं मिला सर। इस वक्त आप आए, मैं चाहता हूँ मुझे एक चांस मिले इधर, कभी मेरी कुछ किस्म भी आपके साथ गाने के लिए हो जाए। मेरे साथ गाने के लिए हो जाए? हाँ जी सर। अच्छा, आ जाए। या मुझे आमतौर पर गानों के बोल बहुत कम आते हैं, बहुत बुरी याददाश्त मेरी तो मैं भूल जाता हूँ, लेकिन एक अनिल साहब की फिल्म थी तेजाब जी, उसका एक गाना था सो गया है। हाँ, बड़ा बड़ा खूबसूरत गाना, मेरा फेवरेट गाना। मुझे लग रहा है आपके ना आपके हाथ बंधे हुए थे, आपने ऋषि कपूर जी का नाम लिया, बीच में शशि कपूर साहब का मिक्स कर दिया। बेसिकली ये सभी कपूर्स को एक ही नजर से देखते हैं, सारे कपूर मिक्स करके हाईलाइट थी। ओके, दोबारा दिए गाना दोबारा, अब आप सिर्फ डांस। क्या बात है, अभी मैं गा के दिखा, अभी मैं डांस करूंगा, ठीक है, मेरा गाना बजा दे। ओ तो अभी तक क्या कर रहा था तू? डांस तो आपको आता भाई साहब, ये तो आपने थोड़ी मस्ती के लिए कर दिया। थैंक यू सो मच। आप प्लीज बैठ जी। और कोई हमारे दोस्त जो फवाद से सोनम से बात करना चाहते हैं? जी आइए मैम। सत श्री अकाल सिद्धू सर। सत श्री अकाल। हेलो कपिल। हाय। हाय सोनम। हाय सर, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। मैम मेरा क्वेश्चन आपके लिए है। जी। मैंने रेखा मैम की मूवी देखी है खूबसूरत, एंड आई रियली लव द मूवी। मैम मेरे को उसकी उनकी मूवी का एक कोई सॉन्ग पे आपके साथ डांस करना है। मेरे साथ? हाँ जी। ठीक है, आ जाओ। आपने अपने सडनली मेरे को खींच लिया, मेरे को ऊपर से रेखा जी का गाना, मतलब उनकी इतनी अदाएं और ऊपर सोनम इतना अच्छा कर रही है, मेरा क्या? और मेरी अच्छा कर रही है। आप बहुत अच्छा कर रही है, वही तो मेरा नहीं, आपने बॉल डांस बहुत अच्छा किया।
Yeah, I am good in some kind of dances. But just learned it from all, don't belong to India actually. जो dances में मैं आप मुझे छोड़ के आता हूँ ये. Thank you. ये क्या कर रही है? बिट्टू मैं तेरी तस्वीरें ले रही हूँ. अरे तुझे पता है मैंने नया काम शुरू किया सिद्धू जी. क्या? फोटोग्राफी. अरे तेरी फोटो छपेगी कहाँ? वही छपेगा जहाँ तेरा मैगजीन छपता है. कहाँ छपेगी कहाँ छपेगी? चुप कर हट. हाय हाय हाय. चुपचाप देख रहा है, बोलता नहीं है. मेरी पहली सेलिब्रिटी क्लाइंट आ चुकी है सोनम. मेरी बच्ची कैसी है? बहुत अच्छी. फवाद. फवाद फवाद खान. फवाद खान दादी. दादी फवाद खान. फवाद बेटा वो दरअसल चश्मा नहीं लगाती ना तो मैं पहचान नहीं पाती कि कौन है. फवाद ना. हाँ. अभी चश्मा लगाती हूँ. अबे दादी अपने लगा. अपनी नहीं लगाई. माफ करना बेटे, उम्र का तकाजा है, वरना मैं तो फुटक से पहचान जाती. ए दादी, पास बैठे लोग तेरे से पहचाने जाते. कैमरे में का खाक देखती तू? खाक नहीं, सब कुछ दिखता है. दरअसल क्या है ना, कैमरे में से है ना ऐसे जूम करके सब कुछ दिख जाता है. एक्चुअली क्या है ना, तुम दोनों मतलब मेरे पहले सेलिब्रिटी क्लाइंट हो. आओ तुम दोनों का ढासू फोटो सेशन करती हूँ. लाइव बना दूंगी चिकने. बंद मत कर. अच्छा ठीक है. बंद मत कर. चलो चलो. रेडी स्माइल. दादी टूट ना जाना तू. थोड़ा ऐसे नजदीक आओ. ए दादी ऐसे ऐसे आओ, एक दूसरे को देखो. अभी माइंड ब्लोइंग. दादी इतने पोज़. गुफा व्यू. गुफा व्यू. गुफा गुफा. दादी इतने पोज़ तो वो नहीं बना रहे जितने तू बना रही है. क्या करूं, ये फुआद है ना, ये जब से आया शर्मा रहा है, कुछ करता नहीं है. मतलब बेटा कुछ गर्मी पैदा कर. अच्छा वो छास भी कराया क्या? ऐसे क्या हो गया आजकल के जवान लड़कों को? एक मिनट बेटी. बेटी इधर. हाँ जी. ये गाड़ी बैग लगा के क्या फोटो खींच रही थी? तू खींच, मैं उसको. ओके ओके. रिलैक्स, शांत हो जाओ. घबरा जाता है बच्चा. हमारा मेहमान है, हमारा काम है इसे रिलैक्स करना. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. लंबी लंबी सांसें ले. दादी बस कर, फवाद की कमर में मोच आ जाएगी. क्या कर रही है तू? मोच आ जाएगी तो उसका इलाज लेकर आई हूँ ना मैं. अच्छा. घबराता क्यों है? फिल्म में फिजियोथेरेपिस्ट बनी है ना जी. फटाक से मेरे घुटनों का इलाज कर दे बच्ची. एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, कोई अच्छा सा इलाज बता दे. वो ऐसा वाला अच्छा था. अच्छा पहली बात ये है दादी जी, बुरा मत मानिए जी, पर आप
यंग लड़कों के पीछे भागते ज्यादा हो ना, इससे घुटनों में थोड़ा बुरा मत मानिए प्लीज। तो इलाज बता रही है या बीमार कर रही है मुझे? नहीं। ये क्या है ना, अगर आप प्रॉब्लम को अगर आप देख लो ना तो इलाज ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये प्रॉब्लम है? ये तो इलाज है। अच्छा ये छोड़ दे। अच्छा। ये तो ठीक है, इसको देख के थोड़े थोड़े से ठीक हो गई हूँ। अच्छा सबसे क्रॉनिक प्रॉब्लम जी गैस। गैस क्या बताऊँ, यहाँ जितनी मेरी उम्र की माँ बहने बैठी है वो सब इस बात से सहमत होंगे, गैस देखो गैस होती है ठीक है, वो नहीं निकलती ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या वहाँ वहाँ ट्रैवल करती रहती है, उसका कोई रास्ता दिखा कैसे फुटुक से निकल जाए, फुट कुछ ऐसा सस्ता सुंदर दिखा और रास्ता दिखा दे। मैं तू भी देख, तू भी देख। क्या देखूं, गैस निकलते हैं। रास्ता देख, एक्सरसाइज वो रास्ता नहीं मतलब कैसे हाँ। तो आप आपके हाथ है ना एकदम ऊपर, हाँ आप बेंड ओवर किस पे टच योर टोस, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा टच योर टोस, टच योर टोस तीन बार अभी, तीन बार, तीन बार टच माय टोस, हाँ टोस ओके ओ तो तीन बार। दो। दिखा ये इलाज ये इधर ही खड़े रहे। पूरा गुड़गुड़ गया। वाह क्या इलाज बताया बच्चों तुमने, क्या इलाज बताई है, इसके लिए तो फीस जरूर दूंगी ठीक है, लेकिन तुझे नहीं। ऐसे नहीं बेटा, तुम हमारे मेहमान हो, अतिथि देवो भव। आज तक इतनी शगुन की पपिया दादी ने किसी को नहीं दी, ये इस बात का सबूत है कि खूबसूरत बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली है। इंशाल्लाह। Now you feeling relaxed always? मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? हो चुकी है। बच्चे हैं? ओह, चल पपिया वापस दे दे। दादी भी तंग नहीं कर रहा, बस ठीक है। ठीक है ठीक है। हम दोनों को ब्लेसिंग दो, इनकी फिल्म रिलीज हो रही है। खुश रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो और इसी तरह पपिया लेते रहो। बच्ची जिस तरह तूने मुझे रिलीफ कराई है। दारी तेरे को प्रॉब्लम गैस निकलने की नहीं, तेरी पप्पियां नहीं निकल रही थी, उस चीज की प्रॉब्लम हो रही थी तेरे को। बस मेरी दुआ है कि तुम दोनों की फिल्म सुपर डुपर हिट हो। एक बार जोरदार तालियां फवाद और सोनम के लिए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे और खूबसूरत बनाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर शनिवार रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर्स। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.